अहमदनगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दरगाह जागेवरील अतिक्रमण काढण्याच्या मुद्द्यावरून उपोषणात बसलेला कर्जत येथील सामाजिक कार्यकर्ता तौसिफ हाशिम शेख यांना आत्मदहन केल्याप्रकरणी आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी राहुरीत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं मोर्चा काढून शासनाचा निषेध नोंदवण्यात आला. यावेळी आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, शेख यांच्या कुटुंबियास 1 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देऊन मयताच्या पत्नीस शासकीय सेवेत घ्यावे, संबंधित दरगाह ट्रस्टच्या जागेवरील सर्व अतिक्रमणे त्वरित काढण्यात यावीत, तसेच राज्यातील सर्व वक्फ जमिनीवरील अवैध कब्जे हटवण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना करण्यात यावी आदी मागण्यांचं निवेदन तहसीलदार अनिल दौंडेंना देण्यात आलं. यावेळी इम्रान सय्यद, इम्रान देशमुख, ज्ञानेश्वर जगदणे, डॉ जालिंदर घिगे, अनिल जाधव, बिलाल शेख, मुफ्ती साहब बिलाल, असलम मौलाना, इम्रान देशमुख, राजेंद्र आढाव, बाबा साठे, शिरीष गायकवाड, अनिस अतार, जामीर अतार, सज्जाद शेख, असलम मौलाना, पापाभाई शेख, अजित शेख, मुजफ्फर कादरी, आसिफ शेख, आरिफ शेख आदींसह मोठ्या संख्येनं समाजबांधव उपस्थित होते. जेव्हा एखादी अशी मोठी घटना घडते त्यास तेथील राज्यकर्ते जबाबदार असतात, त्यामुळे या घटनेमागे पालकमंत्री देखील जबाबदार आहेत असं डॉ जालिंदर घिगे म्हणाले. आमच्या जमिनीचा प्रश्न असाच प्रलंबित आहे. जगण्याची मारामार ज्यांच्याकडे जमीनच नाही त्या माणसांनी कशासाठी जगायचं? ज्या माणसांच्याकडे उदरनिर्वाह करता कुठलंच साधन नाही ते माणसं सुद्धा तोसिफ शेख आहेत. अरे कुणाच्या तरी लाचारीला जगावं लागतं, ती दररोज मरतात. तोसिफ शेख एकदम मेला. त्या ठिकाणी सामाजिक काम होतं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी रेत सर निवेदन दिलं होतं की मी या ठिकाणी 11 च्या अगोदर तुम्ही जर अधिकाऱ्यांनी काही ठोस पाऊल उचललं नाही तर मी 11 नंतर पेट्रोल वतून आत्महत्या करणार आहे. तरी पण त्या ठिकाणचे ते तोफखाना पोलीस स्टेशनचे पोलीस असतील किंवा त्या ठिकाणचा तहसीलदार असेल किंवा त्या ठिकाणचे जे काही संबंधित अधिकारी असतील, तुम्ही जर तो व्हिडिओ जर बघितला असेल तर त्या व्हिडिओ मध्ये आसपास हे काही पोलीस नाही आहे. जर निवेदन जर दिलं तर त्या ठिकाणी पोलिसांचं काम होतं की त्या ठिकाणी त्या माणसाला जाऊन सांगण्यात येईल आम्ही तुमच्या मागण्या पूर्ण करू, आम्ही त्याला आश्वासन देणं गरजेचं होतं. परंतु त्या ठिकाणी एकही पोलिसाचा माणूस नव्हता, त्या ठिकाणी एकही प्रशासनाचा माणूस नव्हता, तहसीलचा माणूस नव्हता. आणि अशा यांच्या गलछाण कारभारामुळे किंवा यांनी काहीच प्रयत्न नाही केल्यामुळे एक सामाजिक कार्यकर्ता या ठिकाणी मरण पावला मित्रांनो. तर मौलाना असलम यांनीही यावेळी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. कर्जात के अंदर जो तौसिफ हाशिम शेख इसने जो है कौम के खातिर जो कुर्बानी दी और उस वक्त में जो है जिलाधिकारी के सामने उसने जो है अपने आप को जो है जला लिया, लेकिन उस वक्त देखा ये गया कि पूरा प्रशासन जो है तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था. इन्होंने जो है नज़रअंदाज इस बात को किया. हम ये सारी चीज़ देखते हुए बिल्कुल यही समझ सकते हैं कि बस कसूर ये था कि शायद कि वो मुसलमान था इसलिए उसको नज़रअंदाज किया गया. हम प्रशासन से दरख्वास्त करने आए हुए हैं, निवेदन देते हुए हमने मूक मोर्चा निकाला है ताकि जो है प्रशासन और जो है वो ऊपर तक इस बात को जो पहुंचाए, हमारे निवेदन को पहुंचाए कि जो है तौसिफ शेख को इंसाफ मिलना चाहिए. उसमें जितने भी अधिकारी थे उन तमाम को निलंबित किया जाए, चाहे नगर पंचायत के हो, चाहे जो PSI हो, चाहे CO हो, या उस वक्त का जो अगर कलेक्टर जो होगा या पुलिस पाटिल जो गांव का होगा, इन तमाम को जो है निलंबित किया जाए. यह हमारी जो है हुकूमत से दरखास्त है कि अगर ये जो है इस तरीके से ना करते शायद कि कोई आदमी ऐसा नहीं होगा. आज तक बहुत लोगों ने जो है आत्मदहन की कोशिश की लेकिन आज तक कोई नहीं मरा. आज पहला जो है तो मरा हिंदुस्तान के अंदर वो मुसलमान था. बस यही समझ में आ रहा कि मुसलमानों को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा. इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि मूक मोर्चे के साथ अगर जो है इस मूक मोर्चे की बात अगर उनके कानों तक नहीं पहुंची तो फिर बड़े जो है तो हमको जो है बड़ा आंदोलन जो है तो छेड़ना पड़ेगा. और उस आंदोलन के अंदर अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन और जो है सरकार रहेगा. ये भी हम जो है इस निवेदन के जरिए से बताना चाहते हैं. इसलिए हम ये चाहते हैं कि तौसिफ शेख को जो है इंसाफ मिले, उसकी जो है घरवाली, उसकी बीवी, उसकी औरत को जो है नौकरी जो है तो दी जाए, उसके बच्चों की जो है पढ़ाई का खर्चा खुद सरकार उठाए और कम से कम जो है 1 करोड़ रुपए जो है उसको जो है तो दिए जाए ताकि उसका आगे का भविष्य जो है अच्छा सा गुजरे. और बहुत सारे जो है रिपब्लिकन हैं और दिगर हैं, इन्होंने जो है हमको पाठिंबा दिया. हम उन तमाम को जो है शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम भी जो है उनके आंदोलन के अंदर जो है तो शामिल रहेंगे. इतना कहकर मैं अपनी बात को. न्यूज़ रिपोर्टर गोविंद फुनगे, SNN मीडिया, रहुरी.